श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। गुरुदेव की गुरु श्री महापुराण कथा आरंभ हो चुकी है। ऐसे में गुरु जी ने आज विशेष उपाय बताया है रोग मुक्ति के लिए। वीडियो के अंत में बताएंगे कब इसे करना है। सबसे पहले जान लीजिए कैसे करना है। सबसे पहले आप सभी को एक दुर्वा लेनी है। सावन का पवित्र महीना आरंभ होने वाला है, ऐसे में आप सभी को यह उपाय विशेष रूप से करना है। एक दुर्वा लेनी है मात्र अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आप सभी को शिव पूजा करने के बाद जहाँ से जलाधारी बहती है उसके अंतिम कोने में, आपने देखा होगा जलाधारी अर्थात जल बहता हुआ जो एक कोना होता है उसके किनारे पर इसे रखकर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेना है और रोग मुक्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करनी है। इसके साथ ही यह जान लीजिए कि यह कब करना है। यह प्रदोष के दिन करना है जो कि महीने में आती है। आप सभी को मैं आवश्यक रूप से बताऊंगी कि कब प्रदोष है। ऐसे में आप सभी जीवन की प्रत्येक समस्या से मुक्ति चाहते हैं। कोई आपको विशेष रोग हो रहा हो तो जहाँ से जल बहता है वहाँ सारी बहती हुई जगह से आप इसे अवधूतेश्वर महादेव का नाम समर्पित करते हुए इसे जरूर चढ़ाइए। जीवन में रोग मुक्ति होना निश्चित है। जैसे कि ज्योतिष शास्त्र में और वेद शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति दुर्वा भगवान शिव को समर्पित करता है उसकी रोग से मुक्ति होते हुए जो है उसमें जीवन में नई क्रांति उत्पन्न होती है। तत्काल जो है उसके स्वास्थ्य में उत्तम वृद्धि होती है। श्री शिवाय नमः शुभम हर हर महादेव।